स्पाइडर प्लांट की इंडोर और आउटडोर दोनों में आसानी से चल जाता है। इनडायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए इसको। और लो मेंटेनेंस प्लांट है, एक पौधा कहीं से लगा लो तो ढेरों बन जाते हैं। मैं 2 साल पहले एक बेबी प्लांट लाई थी और उससे ही मैंने पूरी नर्सरी बना ली है स्पाइडर प्लांट की। और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आप लगाते जाओ पॉट्स कम पड़ जाएंगे। बड़े पॉट में भी आसानी से चल जाता है, छोटे पॉट में भी आसानी से चल जाता है। ये देखिए फूड कंटेनर छोटा सा है और इसमें कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। कभी पॉट्स नहीं मिलते तो मैं इसके बेबी प्लांट्स को पानी की बॉटल्स काट के, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स काट के उसमें भी लगा लेती हूँ। प्यारे प्यारे से फूल भी निकलते हैं इसको। ये देखिए छोटी सी डिब्बी में कितने अच्छे से चल रहा है। बॉटल्स को काट के लगाया है, उसमें भी कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए और इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। पानी तभी देना होता है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। ओवर वाटिंग से पत्तियां जलने लगती हैं, रूट्स जलने लगती हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है छोटे से पॉट में। और कितनी ग्रीन पत्तियां हैं। और एक पौधा लगाया था मैंने बेबी प्लांट और छोटे से पॉट में। आप देखिए अगर इसको डिवाइड करूं तो 8-10 तो बन ही जाएंगे। बांट बांट के भी थक जाओ तो ये खत्म नहीं होते, इतने पॉप्स निकलते हैं इसके। ये देखिए एक प्लांट को कितने पॉप्स हैं। और इन पॉप्स से आप बड़ी आसानी से नए पौधे ग्रो कर सकते हो। इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। बस एक पॉप को उठाइए आप और उसके नीचे की साइड को ये ऐसे उठाना है इसको। और नीचे की साइड को किसी भी पॉट में गार्डन सॉइल डालिए और नीचे की साइड को ऐसे रखिए। बस थोड़ा सा मिट्टी में इस साइड से थोड़ा सा ऐसे रखिए। बस 7-8 दिन के बाद इसकी रूटिंग होने लगती है और उसके बाद आप इधर से कट करके नया पौधा तैयार कर सकते हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।